गंदगी ना करें, ये परिक्रमा की मर्यादा बनाए रखें, कूड़ा कूड़ेदान नहीं डालें, इधर उधर ना फेंके। गोवर्धन पर्वत और परिक्रमा मार्ग को लेकर जहां शासन और प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है, वहीं अब सामाजिक संस्थाएं भी अपना योगदान देने में कमी नहीं रखना चाहती। गोवर्धन परिक्रमा में ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां यमुना मिशन द्वारा परिक्रमा मार्ग में परिक्रमा लगा रहे श्रद्धालुओं को गंदगी न करने की स्पीकर के साथ अपील करते हुए दिखे। और यमुना मिशन से जुड़ने के लिए सहयोग। वहीं यमुना मिशन द्वारा परिक्रमा मार्ग को स्वच्छ एवं अविरल बनाने की अपील करने को लोग ब्रज का सराहनीय कदम बता रहे हैं। यमुना मिशन द्वारा निरंतर गौसेवा, जो असहाय गाय हैं उनके लिए निरंतर चारा डाला जाता है। उसके उपरांत अपने परिक्रमा मार्ग में सफाई अभियान भी चलाया जाता है जगह जगह, जिससे कि परिक्रमा मार्ग में गंदगी ना हो, लोगों को जागरूक किया जाता है कि परिक्रमा में डस्टबिन का प्रयोग करें, कूड़ेदान का प्रयोग करें, कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें, इधर उधर ना फेंकें। और जगह जगह यहाँ कूड़े के ढेर पड़े होते हैं, उनको तुरंत उठाया जाता है। आपको बता दें कि यमुना मिशन द्वारा परिक्रमा मार्ग में अनेकों ऐसे कार्य हैं जो समय समय पर कराए जाते रहते हैं। यमुना मिशन द्वारा परिक्रमा मार्ग में कभी सफाई की जाती है तो यमुना मिशन की कोशिश भी रहती है कि परिक्रमा मार्ग को पॉलिथीन मुक्त भी किया जाए। वृंदावन से लेकर समाज सेवी लोगों की पहल समाज को एक नई दिशा देने का काम कर रही है। समाचार सिटी 24 के लिए गोवर्धन से ऋषभ कौशिक की रिपोर्ट।